नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड से है, जहां आज रविवार को विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर के श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज के पावन सानिध्य में गौ सेवार्थ श्रीमद भागवत कथा महोत्सव एवं श्री गोपाल माँ यज्ञ का शुभारंभ विशाल शाही कलश यात्रा के साथ हुआ। आपको बता दें कि कस्बे के गंगा भवन में प्रातः पंडित विष्णु शास्त्री पंडित गोपाल शास्त्री के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना करके विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। आयोजक समिति सदस्य शंकरलाल सोनी ने बताया कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री खाचरियावास के पावन सानिध्य में विशाल कलश यात्रा में 1100 महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा का गौ भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर व शरबत पिलाकर स्वागत सम्मान किया। कलश यात्रा में घोड़ी बैंड डीजे रथ हाथी व झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मुख्य यजमान शंकरलाल सोनी, पप्पूलाल आचार्य, बाबूलाल सोनी, मदनलाल सोनी, सत्यनारायण व्यास, दिनेश सोनी, सुरेश गोस्वामी, भानु प्रताप सोनी, केवलचंद सोनी, प्रशांत सोनी, रमेश सैनी, सुरेश कुमावत, एडवोकेट बजरंगलाल व्यास, सत्यनारायण अग्रवाल, स्वर्णकार महिला अध्यक्ष कृष्णा सोनी, मंजू सैनी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नागौर, प्रदेश अध्यक्ष गीता सोलंकी, युवा गोरक्षा समिति मकराना के संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान, कालवा, सबलपुर, गिंगालिया, चावंडिया, बोरावड़ सहित आसपास के क्षेत्र के गोभक्त मौजूद रहे। बोरावड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।